फर्स्ट ब्लॉग में हमारे साथ है भाई। 1000 रुपए इसका दिया मैंने। अपर 11 है अपना भाई। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बड़ा वाला मॉल वो, पर कोई नहीं, अभी तो बस पूरा खाली है भाई। मेरा इधर है कहीं पर 11 है भाई। ये क्या दिया है मेरे को? पास दिया है क्या? जैसे बात करते हैं इतना गुस्सा आ रहा था भाई ने बोल दिया अरे यूट्यूबर है। इतना प्यार से बात क्या गलत छोड़ो अभी क्या गुस्सा वस्सा करना ना। हाँ मैंने अभी ये लाइट का थोड़ा तकलीफ होगा, मैं जब इसमें लाइट डाल दूंगा तब ज़्यादा बेटर होगा। हाँ और क्या है अपने को करने को? अभी कुछ नहीं, मस्त सो के अपन जाएंगे। जब मैंने बुक किया था तब ऐसे दिखाया था मेरे को ये साइड पर आएगा मेरा, लेकिन अभी कोई बात नहीं। मैंने पहले सोचा कि डबल वाले के साथ ले लो, फिर वाला किसी के साथ क्यों शेयर करना ना भाई, बाकी फिर भी देख लो। एंड मैंने आपको बोला क्या कि मैं इस बार सिर्फ गोप्रो में शूट करने वाला हूँ, इस बार मस्त तो पूरा गोवा गोप्रो में मचाएंगे। चलो भाई तभी मिलते हैं बाद में, चले क्या? चलो चलो चलो, पानी का बॉटल नहीं देगा लगता है सत्य वचन। एंड इस बार अपना जैसे मैं हर बार गोवा जाता हूँ तो यहाँ पे वहाँ से भटकते रहता हूँ, इस बार मैं सिर्फ चिल मारने जा रहा हूँ एंड 2-3 दिन सिर्फ शांति में रहने जा रहा हूँ। एंड मैं पिछले बार गया था वाटर स्पोर्ट गया था, उसके पहले गया था वो क्लबिंग किए थे, इस बार मैं सोच रहा हूँ फिशिंग विशिंग करने मिल गया ना कहीं तो उसलिए जा रहा हूँ। एंड ये वीडियो को ऐसे ही बड़ा नहीं करना है अपने को। चलो बाद में मिलते हैं। चलो 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 चलो। हाँ बाकी ऑडियो कैसा आ रहा है वो बताना, होपफुली अच्छा आ रहा हो यार। पर एक डिसअपॉइंटमेंट है कि 1100 रुपये में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं पहले भी VRL में गया हूँ, वो लंबे वाले होते थे डबल टायर वाले। ये मोस्टली अपने को सुबह 9:30-10 बजे छोड़ेगी, तब तक टाइम पास ही करना है अपने को और कुछ नहीं है करने को। एडिट करूँगा मैं, होपफुली फिर मैं कल वीडियो डाल भी पाऊँ। ये मेरा किस्मत कितना ख़राब है, मतलब देखो सब जगह के लाइट चल रहे हैं, मेरे को लाइट चाहिए तो मेरा ही लाइट बंद है। अच्छा इमरजेंसी एग्जिट भी है इधर भाई, कभी भागना होगा तो मैं ही निकलूंगा यहाँ से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2-2 बैग क्यों लेके जा रहा हूँ, कितना बड़ा बैग और ये वो, बड़ा बैग में कुछ है नहीं ज़्यादा खास करके, क्योंकि मैंने इस बार सोचा है ना कि यहाँ से ज़्यादा कपड़ा नहीं लेके जाऊँगा मैं वहीं पर जाके कपड़ा खरीद के पहन के छोड़ दूंगा तो लेके आऊँगा ऑब्वियसली। एंड ये बैग मैंने इसलिए रखा है कि पहले मैं अपना GoPro ऐसे ही रखता था, बट ये अभी मैंने इस बार ये केस लेके घूम रहा हूँ बिकॉज इसमें फालतू टाइम में मैं माइक डाल के इसको बंद करके रख सकता हूँ। ये अपना जैकेट है इसमें एंड एक और बैग है जिसमें अपना टॉयलेटरीज से लेके ये सारी चीज़ें है, मतलब दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट मेरे लिए लाइफ में ना भाई। ये देखो मिस्ट है अपना, परफ्यूम है, सनस्क्रीन है, एक और सनस्क्रीन है, डीओ है, जेल है, ये चीज़ें, और ये अपना लाइट है, इसको निकाल के रख लेते बिकॉज ये अभी काम आने वाला है। देखा इतना नखरा है भाई के। एंड कैनन का सिर्फ मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ कि वो लो लाइट में ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देता है एंड GoPro नहीं देगा, GoPro के लिए लाइट की ज़रूरत है, यहाँ पर लगा के घूमना पड़ेगा ये मेरे को। जितना मैं सोच रहा था कि ईज हो जाएगा ना ये माइक वगैरह से मेरे लिए, और उलझन हो गया है मेरे को ऐसा लग रहा है। चाय कैसे दिया भाई? 10 का।
अच्छा है वेज फ्रेंकी? नहीं भाई थैंक यू। इसको वीडियो बना। हाँ वही उसका सबका बना रहा हूँ। कैसा है? नहीं दर्द नहीं। पीने में कैसा? काला तो नहीं है? नहीं नहीं। इलायची अदरक डाला है कुछ? सब है सब, इलायची भी अदरक भी मिक्स है। खतरनाक था रे चाय वाला फ्रॉड। जैसे दिया मेरे को पटक तो देके भाग गया। न गरम है न अच्छा है। छी देखो फालतू का भी इधर फेंक नहीं सकता कहीं, इसीलिए जबरदस्ती का शुगर पीना लग गया। छी फ्रॉड भाई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बस अभी तक पूरा खाली है भाई। स्टॉप आया है यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट वॉशरूम वगैरह जाते। भाई स्टॉप है क्या? आने वाला है इधर। इधर टॉयलेट कर सकता है ना? इधर नहीं रह सकता। नहीं नहीं इधर थोड़ी करेगा, और करेगा। और स्टॉप कितने बजे आता है खाने का? कितने बजे? 1 आवर होगा। आप कहाँ से हो? कर्नाटक आना लग रहे हो आवाज से। सही है। चलो फिर अभी एक घंटे बाद खाने का आएगा, उसके पहले अपन वॉशरूम वॉशरूम कर सकते हैं भैया ने बोला। और ऐसे तुम अकेले बाहर निकले हो ना, तो अपने सीट्स के इधर से देखते रहने का, अपना पर्दा तो नहीं हिल रहा है क्योंकि ये लोग चढ़ते रहते हैं ना। वैसे कोई कुछ लेगा तो नहीं, बट स्टिल अपना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन की और वाला सीन है। एंड वो चाय वाला मेरे को दिख नहीं रहा है इधर, तो उसको गाली देता मैं अभी तो इतना खड़ा हुआ चाय पिलाया। एंड ये टी शर्ट जो मैंने सुबह पहना था ना, अभी पहना था ना, दोनों ऑरेंज है लेकिन अलग है, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। अभी मैंने वीडियो में देखा तो मैं बोला अरे ये तो सेम सेम लग रहा है दोनों। अरे अभी सोना है, अभी हम आ गए हैं तो लोनावला के आगे, एंड यहाँ पर हम द स्टाफ वाले के लिए रुके किसी के लिए, तो सुबह 9-10 बजे अपने को पहुँचाएगी है गोवा। एंड मैं ऐसे करके गया था ताकि अगर कोई हिलाए तो अपने को पता चलेगा कि ये निकाला है किसी ने, ऐसे अपने से जुगाड़ पता करने के। कभी भी एसी बस में ट्रैवल करो तो देखा जैकेट हैंडी रखने का भाई, बिकॉज रात को ठंडी बहुत लग जाती है। लेट्स सी यार, गोवा में गर्मी बहुत खतरनाक होने वाली है, बट मैंने सोचा इस बार चल चल के सब जगह एक्सप्लोर करूँगा, बिकॉज अपन उसके लिए जा रहे हैं भाई, रोक के कुछ फ़ायदा है नहीं। एंड मौसम 2-3 दिन में बारिश तो अच्छा आ गया था, तो होपफुली थोड़ा सही होगा। क्या बोलते हो, कोई है क्या गोवा से? बताओ कौन मिलने आ रहा है। टाइम हो गया अपना 9:30 एंड अपन आ गए इधर राजगढ़ ढाबा। एंड अच्छा खासा नींद आ गया था यार, मतलब मैं अभी खाऊंगा तो नहीं कुछ भी, देखते हैं। चाय कॉफ़ी भी पीने का मन है नहीं, बिकॉज मैं रात को अगर ज़्यादा खा लेता हूँ ना तो सुबह ब्लोटिंग हो जाता है मेरे को, तो सूज जाता है बॉडी। और मेरे को नहीं चाहिए कि गोवा में मेरा बॉडी सूज के जाए। एंड यार मैंने एक गलती कर दी कि मेरे को बाल कटा के आ जाना चाहिए था, क्योंकि पूरा वीडियो फिर ऐसे ऐसे ही रहेगा अभी मेरा। चलो वॉशरूम वाशरूम करते हैं अभी, फिर जाएंगे यार सो जाएंगे, सुबह मापूसा में उठेंगे, वहाँ से बाइक रेंट करेंगे। बाप रे देख के तो इतना खाने का मन कर रहा है ना, बट या कंट्रोल उदय कंट्रोल। चलो तुम्हारे बात में चले क्या? चलो 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 खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें, पहले वाला प्रोमो था तो सब कुछ दबा के खाता, बट अभी मैंने सोचा था कुछ नहीं खाऊंगा, बट यार फ्रूट ले लेता हूँ वरना रात को जान निकल जाएगी। बाकी ये सब ऑप्शन भी भाई, एक फ्रूट दे दो यार। कितने का है ये? 100 का है। ठीक है एक दो, फिर इसको लेके जाते हैं अपन और खाएंगे। बस तो ऑन आ गया। चलो थैंक यू। जा रहे थे गोवा, लेकिन वो बोलते हैं ना जो किस्मत में होता है वो ओके ही रहता है यार। मेरी रोती हुई शक्ल दिख रही है आपको? सीन क्या हुआ पता है, जब अपन वाशी में उतरे थे ना, मैं नीचे उतरा था कुछ लेने के लिए, शायद से अपना वॉलेट उधर ही छूट गया और वॉलेट उधर ही गिर गया। मैंने अभी इधर आके आपको बोला ना कि कुछ खाने को लेता हूँ,
तो वहाँ पर फ्रूट वाले के पास मैंने जेब में हाथ डाला तो वॉलेट ही नहीं था भाई, उसमें लाइसेंस था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, पैसे थे 2-3 हज़ार रुपया, सब गए। एंड मेन चीज़ था कि मैं गोवा जाके करता क्या, बिकॉज़ वहाँ पे स्टे के लिए आईडी कार्ड तो चाहिए तुमको कहीं से कहीं, और प्लस बाइक रेंटल के लिए लाइसेंस वगैरह चाहिए। गया, मैंने बोला भाई बस वाले को उतार दे मेरे को इधर से कम घर पे तो जाऊँगा मैं कम से कम। वाह भाई, मेरे साथ ही होना था ये, इतना खुशी खुशी सोचा था 2-3 दिन गोवा जाऊँगा। वाह, कितने भी प्लान बना लो, ऊपर वाला तुम्हारे लिए प्लान बना के बैठा है, देख रहे हो क्या है यार, क्या बोलने का है? दिमाग ख़राब हो गया ना, मैं इधर अभी अटका हूँ यार। लो क्या बोल यार, मूड ख़राब हो गया पूरा। ना होटल कहाँ था वो, चलो बाद में देखते हैं, अभी मैं कैसे घर पे जाने का जुगाड़ करता हूँ। सेम चीज़ ऐसे एक बार यूपी में हुआ था मेरे साथ, बट अपना गाड़ी था प्राइवेट तो फटाफट पीछे गए और लेके आ गए, अभी बस को कहाँ लेके जाता। क्या है यार, देखो भाई जो भी हो गया तेल लेने अभी यहाँ पर आए थे, अमेजिंग सा फूड कोर्ट है यहाँ पर, सब कुछ है, मैकडोनल्ड, सबवे, ये वो, बट मेरे को जैसे कि भूख लगा हुआ था, अपन है देसी आदमी है, ऊपर पंखा देखो भाई, अमेजिंग था। गया गोवा गया भाड़ में, अभी मैंने सोचा कि खाना खा के जाए दबा के, पहले जो भी ओला उबर या गाड़ी टैक्सी जो भी मिलेगा अपन लेके चले जाएंगे। यहाँ पर अमेजिंग था, ताली मिला है मेरे को, ये देखो ये है अपना कांदा, रोटी, भाजी, चने की, ये साथ में जलेबी मिला है, छाछ मिला है और एक्स्ट्रा दाल मिला हुआ है। भाई मूड से एक ही चीज़ ठीक कर सकता है, वो है अपना खाना, क्योंकि खाना नहीं खा रहा था ना मैं, तो भगवान ने बोला खाना नहीं खाएगा, लोगों को खाने का व्लॉग नहीं दिखाएगा, ले भाई तेरे को जाने ही नहीं देगा मैं, तो देखते हैं अभी कैसा है खाना। वाओ, दिखने में तो लजीज लग रहा है भाई। मेरे जेब में 1 रुपया भी कैश नहीं है, वो तो नसीब आजकल थोड़ा इंडिया डिजिटल हो गया है, वरना क्या होता। चलो देखते कैसा है, आपके किस्मत में फूड रिव्यू होगा शायद से। कांदा रखे साइड में भाई, पहले रोटी से शुरुआत करेंगे अपना, अपना फेवरेट द आलू की सब्जी। अपने मोटापे का दुश्मन दी जलेबी, बट आज ये भी खाएंगे अपन तो अच्छा है यार। चने की सब्जी देखते कैसा, चने थोड़ा कड़क लग रहा है बट टेस्ट इज नाइस ओवरऑल, छाछ के साथ सब। दाल चावल कैसा, अरे चावल काफ़ी मोटा है भाई, तो ये वही फूड कोर्ट है जो मैं वो होटल से सामने अपोजिट में दिखा रहा था ना, वहाँ पर बहुत कम ऑप्शन है बट यहाँ पर ऑप्शन बहुत है आपके पास। नाइस मैन, अच्छा है, 180 में और क्या जान ले लो भैया। यार अचार नहीं दिया इसने भाई, आज पहले थर्माकोल के ग्लास क्यों देते हैं भगवान जाने, क्योंकि एक टाइम बाद ये टपकने लगता है। पता नहीं पूरे ट्रिप में ना मेरे को, पहले देखो मेरा वहाँ से बस छूट गया, फिर रास्ते में आके ये हो गया, बहुत कुछ हो रहा था, भगवान इशारे कर रहा था कि मत जा, एंड फाइनली ऐसा चीज़ किया कि जिसकी वजह से नहीं गया। कभी कभी अगर कोई चीज़ तुमको रोके ना तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, जान है तो जान है। श्योर, अभी टाइम 10:45 हो गया है, होपफुली मेरे को कुछ चीज़ें मिल जाए।
पूरा अपने को अभी अकेले दबाना है। चलो गाइस मैं खाता हूँ फिर आपको अपडेट देता हूँ, बताता हूँ कि क्या सीन है मेरा, मुंबई कब तक पहुँचना है मेरे को। ठीक है जलेबी ट्राई करेगा, ठंडा है लेकिन अच्छा है। चलो गाइस चले क्या, चलो 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 सत्य वचन। भाई देखा जाए तो राइस बहुत ज़्यादा है एंड 180 में इतना खाना देना बहुत सही है। तो ये खाना लिया मैंने कृष्णा वड़ा पाव से ये, तो आपका भी ऐसा कुछ होगा तो इधर आके खा लेना एक बार। इस मुस्कुराहट के पीछे आंसू दिखाई दे रहे हैं आपको। भाई बोलते हैं ना लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो लाइफ में चिल मारने का, टेंशन नहीं लेने का, थिंक पॉजिटिव, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं मस्त दबा के खाया एंड यहाँ पर आके डाइट कोक पिया, डाइट कोक पिया। मैंने रोड क्रॉस किया तो वहाँ से मेरे को दो बस मिल गए जो कि मुंबई तक जाएंगे एंड 300 रुपये में लेके जाएंगे। मैं इसके पहले यहाँ से ऊबर कर रहा था, वो मेरे को 2000 रुपये दिखा रहा था, मतलब ठीक है चले जाएंगे, लेकिन साला 45 मिनट वेटिंग, मतलब समझ लो तुमको बना रहा है वो, और दो बार कैंसिल कर दिया राइड मेरा। मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था बट फिर यहाँ पर क्रॉस करके बसेस दिखे मेरे को तो बोला अभी चले जाएंगे। फिर मैंने बोला डाइट कोक पी सकते एंड उस पर सोने पे सुहा का क्या हुआ पता है, मेरे जो बैंक का ऐप था ना, मेरा जीपे तो चलता है नहीं पर बैंक का ऐप था, वो मेंटेनेंस की वजह से बंद हो गया था। तो मैंने यहाँ से किसी से 500 रुपीस लिया, उससे अपना दोस्त से पेटीएम करवाया उसको अकाउंट में, और अभी जा रहे हैं अपन। वाओ बड़ा एक्सपीरियंस। तो मेरे दोस्त ने भी मेरे को कॉल करके बोला कि अभी मत जाना, जब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फाइनली अपन घर पे तो पहुंच जाएंगे एंड व्हाट अ अमेजिंग गोवा का ट्रिप, दिस इज प्रमोद रावत, अपने साथ कुछ भी हो सकता है। तो चलो अभी इसको अपन यहीं पे ख़त्म करते, आई होप कि आपको मज़ा आया, मेरे को तो बहुत मज़ा आया ट्रिप में। बाकी अभी जब मेरे लगेंगे ना कि मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब गया है भाई, और कैसे कैसे लोग होते हैं यार, होपफुली किसी को मिले और वो मेरे को दे दे। वाशी में ही छूटा है मेरे को लगता है, वाशी प्लाजा के आसपास में। तो चलो गाइस इसको ख़त्म करते हैं अभी। आइए होप कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा एंड मज़ा आया तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद रावत। याद है ना कहाँ मैं गोवा के वादियों में बीचेस पे चिल मार रहा होता और कहाँ मैं अभी वापस घर पर जा रहा हूँ रिटर्न। हाय काय बोला इतना था। चलो गाइस मिलते हैं बाद में, चीयर्स मैम। चलो 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 चलो। ये शिवनेरी को मैंने पूछा, ये बोला दादर तक ही जाएगा, उधर पीछे भारत बेंस का बस है, वो बोला कांदिवली तक जाएगा, बस तो अच्छा है। बाकी भैया ने बोला हम खाना खा रहे हैं आधे घंटे में जाएंगे।